बचपन में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही गौरव अपने दादा दादी के साथ रहता है और वही दोनों उसकी पूरी दुनिया होते हैं। उनके सारे सपने पूरे करते हुए जॉब लगते ही गौरव मीनू से शादी कर लेता है। मीनू, मेरा ख्याल रखो ना रखो, पर प्लीज मेरे दादा दादी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरा भी परिवार है। इसके साथ वो दोनों मिलकर घर और चारों मिलकर एक दूसरे की खुशियां संभालने लगते हैं। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं और फरवरी शुरू हो जाता है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन की बातें शुरू हो जाती है। और इसको देखकर दादी गौरव और मीनू को वैलेंटाइन पर घूमने जाने के लिए कहती है। अरे ओ गौरव, तू मीनू को लेकर कहीं घूमने क्यों नहीं जाता? अरे नहीं दादी, हमें कहीं नहीं जाना। अरे पगला गया है क्या? यही उम्र है घूमने की, वैलेंटाइन आ रहा है, जाओ दोनों कहीं छुट्टी मना कर आओ। दादी की बात पर दोनों पति पत्नी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। दादी, आपको वैलेंटाइन के बारे में कैसे पता? मुझे क्या पागल समझा है? अरे मैंने सोशल मीडिया पर सब देखा है, ये प्यार करने वालों का दिन होता है ना। दादी, तुम्हें इंटरनेट सिखाना हमें ही परेशान करेगा, सोचा नहीं था। अरे तो वो गलत क्या बोल रही है, हमेशा तुम दोनों हमारे पास रहकर सेवा में लगे रहते हो, ना शादी के बाद कहीं घूमने गए और ना ही अब जाने के लिए तैयार हो। अरे अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे दादा ने पहली बार कोई अकलमंदी की बात की है, उसे तो मान लो बच्चों। दादी आप क्यों बेचारे दादू की टांग खिंचाई करती रहती हो? अरे वो हमारा मैटर है, तुम ये बताओ जा रहे हो या नहीं? दादी हमें आपके साथ रहने में ही खुशी मिलती है। अरे तो हम कौन सा छोड़कर जाने के लिए बोल रहे हैं, बस घूमने जाओ और वापस आओ बच्चों। इस पर हंसकर दादा की बात टालते हुए मीनू और गौरव वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दादी अगली सुबह एक बार फिर दोनों को टोकती है। अरे क्यों रे चंपू, कहाँ घूमने जाएगा, कुछ सोचा क्या? दादी वैलेंटाइन दूर है। ऐसा बोलकर गौरव घर से बाहर और मीनू रसोई में चली जाती है। ये बात बता कर गया है या तुम्हें धमका कर? तुम भी ना ज्यादा मजे मत लो और चुपचाप मेरे सिर में तेल लगाओ। जी मोहतरमा, जब से शादी हुई है चुप ही तो हूँ। दादा दादी की ये प्यार भरी नोकझोंक सुनके रसोई के दरवाजे पर खड़ी मीनू हंसने लगती है, जिसे देख दादा दादी भी हंसने लगते हैं। वैसे आप दोनों ने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाई। अब क्या बताए बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी से मिले बस उसी दिन से हमारा तेल निकल गया, देखो वही तो इनके सिर में लगा रहा हूँ। वैसे आप वो भी ठीक से नहीं लगा रहे। अरे इनका तो काम ही है काम चोरी करना। शैतान, दादा दादी के बीच पंगा कराती है। सॉरी पर क्या करूं, आप दोनों हो ही इतने क्यूट और ऐसी प्यार भरी नोकझोंक करते हुए ज्यादा क्यूट लगते हो। सब हंसने लगते हैं और इस उम्र में भी दादा दादी का ऐसा प्यार देख मीनू मंत्रमुग्ध हो जाती है। दादू दादी, इतना प्यार तो मैंने अपने घर के लोगों में भी कभी नहीं देखा जो इस पूरे घर में है। इसी पर मीनू के दिमाग में आइडिया आता है और शाम को गौरव के घर वापस आती ही वो उससे बात करती है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। और इसी तरह देखते देखते वैलेंटाइन वीक भी शुरू हो जाता है, जिससे वो सब मिलकर कभी फूलों तो कभी चॉकलेट के साथ बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी तरह वैलेंटाइन्स डे भी आ जाता है। अरे अब तो वैलेंटाइन भी आ गया, बता दो कहीं जा भी रहे हो या नहीं? जाएंगे लेकिन हम नहीं। हैं? फिर कौन जा रहा है? आप दोनों। हम क्यों?
अरे तुम दोनों पगला गए हो क्या? इस उम्र में बूढ़ा बूढ़ी को घूमने भेजोगे? हाँ, लाइफ में पहली बार तुम्हारे दादाजी ने कुछ सही बात बोली है। अरे तुम दोनों की उम्र है, जाओ घूम कर आओ। हम बूढ़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो? दादी, मैंने बचपन से आप दोनों को सिर्फ काम करते हुए देखा है। कभी मेरा स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी जॉब या शादी। आप दोनों की पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही रह गई है। और जैसे आपकी कहानियां सुनी है, आप लोग ऐसे नहीं थे। बस मम्मी पापा के जाने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे बन गए। इसीलिए ये वैलेंटाइन आप दोनों अपने उन्हीं प्यार भरे पुराने दिनों को याद करते हुए अपने उस प्यारे से बनाए घर में बिताएंगे, जिसे आप सालों पहले गौरव की बेहतरी के लिए शहर शिफ्ट करते हुए गांव में पीछे छोड़ आए थे। बच्चों की बात और विचार सुन दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आजकल के समय में जहाँ बच्चे दादा दादी को बोझ या बूढ़े हैं, कुछ भी बोलते हैं समझकर पीछे छोड़ देते हैं, तुम दोनों ने हमारे लिए इतना सोचा वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चे हमें मिले, हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ा सुख नहीं। और तुमने मुझे ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया सब कुछ सही नहीं बताता। देखना, उसने मुझे बस यही इंफॉर्मेशन दी कि वैलेंटाइन कपल्स के लिए होता है, पर आज तुम दोनों ने मुझे समझाया कि ये प्यार भरा दिन हम हर उस इंसान के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करता है। इसलिए अब से हम सब अपना ये वैलेंटाइन और आने वाले सारे वैलेंटाइन गांव जाकर पुरानी मीठी यादों को जीते हुए उनके साथ अपनी नई कहानियों को जोड़ते हुए मनाएंगे।